आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही कोर्ट में विष्णु मिश्रा की हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, 12 अगस्त को होगी सुनवाई। भदोही कोर्ट में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे। विष्णु मिश्रा को वाराणसी एसटीएफ बुधवार की रात करीब 9 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच भदोही लेकर पहुंची। यहां गोपीगंज थाने में उसकी आमद कराई गई। पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित किया था। आज उसे न्यायालय में पेश किया गया। रविवार को एसटीएफ वाराणसी की टीम ने पुणे के हड़पसर थाना क्षेत्र से पूर्व विधायक पुत्र विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर टीम भदोही पहुंची। सूत्रों की माने तो बुधवार की रात करीब 9 बजे एसटीएफ विष्णु मिश्रा को गोपीगंज कोतवाली लेकर पहुंची। प्रयागराज से विष्णु को लेकर एसटीएफ के रवाना होते ही गोपीगंज थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। विशेष सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी भी तैनात की गई थी। बताते चले कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने वर्ष 2020 में गोपीगंज थाने में तहरीर देकर विजय मिश्रा, उनके पुत्र विष्णु मिश्रा सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। उसी साल सितंबर में वाराणसी की एक गायिका ने विष्णु मिश्रा व पौत्र विकास मिश्र पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद तत्कालीन विधायक विजय मिश्र को मध्य प्रदेश की आगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में विकास भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन विष्णु फरारी काटता रहा। उस पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। बावजूद इसके गिरफ्तारी न होने पर इनाम की धनराशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। 22 जुलाई को इनाम की राशि एडीजी जोन वाराणसी ने बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी। वहीं मीडिया से बातचीत में विष्णु मिश्रा के वकील स्वामी प्रसाद ने बताया कि विष्णु मिश्रा की आज पेशी हुई है, उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी बहन रीमा पांडे द्वारा मुख्यमंत्री को चिट्ठी इसलिए लिखी गई थी कि विरोधी अपना दांव साध सकते हैं, इसलिए कड़ी सुरक्षा की मांग की गई थी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। थी, पूरे मामले में हुआ क्या? विष्णु मिश्रा को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। ज्ञानपुर भदोही की एसटीएफ की पुलिस वहां जाकर ट्रांजिट रिमांड लिया। वहां से 29 तारीख तक यहां रिमांड प्रस्तुत करने के लिए आदेश किया गया था और यहाँ दो मुकदमों में उनकी रिमांड न्यायिक अभिरक्षा में वो जेल भेजे गए। ट्रांजिट रिमांड के समय जिस गाड़ी से उन्हें लाने का निर्देश दिया गया था, यहाँ भदोही की एसटीएफ की पुलिस उसका घोर उल्लंघन करते हुए इनोवा गाड़ी उक्त से न ला करके उसे वज्र वाहन से ले आया गया। अब विष्णु मिश्रा यहां से न्यायिक अभिरक्षा में ज्ञानपुर जेल के लिए भेजे गए हैं। अब आगे की कार्यवाही शासन अपने स्तर से उनकी सुरक्षा को तो दृष्टिगत रखते हुए जैसा कदम उठाएगी तो हम आप सबको आगे बताएंगे। आप लोग उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किसी जेल का प्रस्ताव दिया है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी भी जेल में रखा जाए। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा कहाँ सुनिश्चित कर पाएगी वहाँ रखेगी। हमें पूरे प्रदेश के किसी भी जेल में रखा जाए हमें कोई आपत्ति नहीं। वकील साहब, जो है नीमा ने एक जो है वो वायरल किया था कि जो है विष्णु से जान को खतरा है, वो आखिर किससे खतरा प्रतीत महसूस कर? विष्णु मिश्रा के तमाम दुश्मनान हैं जिनसे मुकदमेबाजी चल रही है, संपत्ति का विवाद चल रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा साजिश करके हत्या और उनके जो है प्रताड़ना की संदेह था, जिसके बारे में बार बार आप लोगों को अवगत कराया गया कि आप लोग भी उन पर निगाह रखें कि उनके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे। थैंक यू। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।